बिल्कुल सितारगंज रोड में बढ़ते सड़क हादसों के खिलाफ पूर्व विधायक नारायण पाल, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी करण जंगी ने ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण की मांग को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। विधायक के सड़क जाम करने के कारण रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस प्रशासन जाम को खुलवाने के लिए आक्रोशित पूर्व विधायक और ग्रामीणों से लगातार वार्ता कर रहा है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। देने नहीं आए, धरना ही हमारा है। दूसरी बात ये आप समझ लीजिए कि इस धरने ये धरना जो है ये गैर राजनीतिक जो है कि मंच पर आज धरना किया जा रहा है। और आप ये लगाइए कि यहाँ पर जब पांच पांच दिनों में नौ नौ लोग, नौ नौ परिवार उजड़ जा रहे हैं, नौ परिवार मर गए। और आप सारी गिनती अगर करेंगे इस रोड की तो 60 से ऊपर लोग ज़्यादा मर गए। उसके बाद भी जो यहाँ शासन सत्ता के लोग हैं, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, जो शासन सत्ता के लोग हैं वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हमको मात्र बेवकूफ़ इसलिए बनाया जा रहा है कि चुनाव बिल्कुल आ जाएगा, जब वोट पड़ने लगेंगे उससे पहले हमको ये रोड बना के देंगे क्या? ये जो बेवकूफ़ हमको बना रहे हैं। और लगातार एक घर का व्यक्ति मरा, फिर दूसरे घर का व्यक्ति मरा, फिर तीसरे घर का व्यक्ति मरा। ये जो व्यक्ति लगातार इस रोडों पर मर रहे हैं और लगातार दो तीन वर्षों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं, उस मांग को अनदेखा जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और अब इसका जब तक हल नहीं निकलेगा अब ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने पे बैठे थे, उनकी बेसिकली डिमांड रोड की मरम्मत या रोड चौड़ीकरण या फिर जब तक ये नहीं होता तब तक ऑल्टरनेट रूट को लेके थी। उसके बारे में पूर्व में ही बहुत सारी कार्रवाई हो चुकी है जिसके बारे में इन्हें अवगत करा दिया गया। ऑल्टरनेट रूट के लिए कॉम्पिटेंट लेवल से कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के रिक्वेस्ट पे सर्वे किया गया था जिसमें कुछ ग्रामीणों की ही ज़मीन आ रही है। जब तक ग्रामीण अपनी ज़मीन देने पे सहमत नहीं होते हैं उसमें आगे की कार्रवाई करना या प्रपोज़ल भेजना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो इन्होंने रोड की वाइडनिंग के बारे में या फोर लेन बनाने के बारे में बात कही है वो PWD डिपार्टमेंट ने करनी है, उसके बारे में PWD को बता दिया गया है। धरना है ये, यहाँ क्षेत्र के लोगों का धरना है, सितारगंज का धरना है ये धरना। हमें बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि यहाँ जो लोग जिन्होंने चुनाव लड़े, जिन्होंने चुनाव जीते, उन्होंने आके यहाँ लोगों से कस्में खाई, वादे किए और चुनाव के बाद आप ये दुर्दशा देख सकते हैं। सिर्फ इस सड़क पर 100 आदमी नहीं मरा है, इस सड़क पे मरा है 500 आदमी। सितारगंज से अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी के लिए जाना होता है तो उसके पास सिर्फ हल्द्वानी जाने का ही विकल्प है। और ये रास्ता जो है वो सितारगंज और हल्द्वानी को जोड़ता है। हजारों लोग इस रास्ते की वजह से सड़क पे एम्बुलेंस के ऊपर गाड़ियों में मर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो थोड़ा बहुत रिपेयर किया गया वो रिपेयर किया गया सिडकुल के अंदर, सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे रोड की इतनी बुरी हालत नहीं थी। रोड की बुरी हालत गाँव में है। यहाँ पे लोगों को घर के बाहर बैठना मुश्किल है, इनको तीज त्यौहार मनाना मुश्किल है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस धरने को किसी के बहकावे में आके ख़त्म नहीं करना है। जब तक ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी और हमको इनको जगा के ही उठना है।